إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات بنائی اور ہم انسانوں کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا کہ وہ ہمیں اللہ رب العالمین کا پیغام سنائیں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا, نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پورا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. قیامت تک یہ دین باقی رہے گا, اس کے ماننے والے اس پر عمل کرنے والے بھی باقی رہیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے, اچھے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے, برے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے, مومنین کا ذکر بھی کیا ہے, فاسقین کا بھی کیا ہے, جنتیوں کا بھی کیا ہے, جہنمیوں کا بھی کیا ہے, مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا ہے, ان کی صفات, خوبیاں اور ان کی کوالٹی کا ذکر کیا ہے. وہ لوگ جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا؟ خوف سے مراد یہ ہے کہ مستقبل میں آنے والے وقت میں انہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا. یعنی قیامت کا دن جو نہایت ہولناک دن ہوگا, اس دن وہ ڈرے ہوئے نہیں ہوں گے جیسا کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے.
अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जिन्हें क़यामत के दिन किसी तरह का खौफ नहीं होगा, गम रंज और मलाल भी नहीं होगा। इससे मुराद है गुज़रा हुआ ज़माना। आदमी दुनिया में रहता है, बहुत कुछ जमा कर लेता है, दुनिया छोड़कर जब आदमी जाता है तो अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्हें दुनिया छोड़ने का कोई मलाल नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। इसी तरह एक मतलब ये भी है कि दुनिया में जो कुछ उनको मिल गया उस पर सब्र व शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजार के दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला की कज़ा और तकदीर पर राज़ी रहे, कोई गम नहीं कि हमें कोठियां नहीं मिली, हमारे पास बहुत सारा माल जमा नहीं हुआ, फला चीज़ नहीं मिली, फला चीज़ नहीं मिली, इसका कोई गम नहीं होगा। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है कि जब उन्होंने वो दरख्त खा लिया जिसके लिए अल्लाह ने उनको मना किया था, तो उसके नतीजे में अल्लाह ने फरमाया कुल्लाह बिकू मिन्हा जमिया। अल्लाह फरमाता कि हमने उनसे कहा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। जन्नत से ज़मीन पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया और फरमाया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, हमारी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत पहुँचेगी, हमारे अहकाम पहुँचेंगे, दीन पहुँचेगा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा पहुँचेगा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस जिसने भी उस हिदायत की पैरवी की, हमारी नाजिल करदा हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको न तो कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। खौफ और गम का की तफसील इख्तसार से मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र की है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लज़ीन आमनु वल्लज़ीन हादु वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाह वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहा फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुसलमान, यहूदी, नसारा और साबी, चार तरह के लोगों का जिक्र किया है। मुसलमान, यहूद, नसारा और साबी। यहूद आप जानते हैं कौन है, नसारा ईसाइयों को कहा गया है, साबी उस तबके को कहा गया है जो किसी न किसी दीन के मजहब के पैरोकार थे लेकिन उनके यहाँ बुराइयाँ दाखिल होती गईं और वो आग और फरिश्तों को पूजने लगे, उनकी इबादत करने लगे या मजहब से ही बेजार हो गए, उन्हें कुरान करीम ने साबी कहा। इन तबकात में जिन लोगों ने भी अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखा और आमाले सालिहा अंजाम दिए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना तो कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। यहूदी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक अपने अंबिया की तालीमात पर अगर अमल करते रहे
तो उनके लिए भी ये बशारत है। ईसाई नसारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक अगर अपने नबी की तालीमात पर अमल करते रहे तो उनके लिए भी ये बशारत है। इसी तरह साबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद फिर किसी भी यहूदी का, नसरानी का, या साबी का, या किसी भी फ़िरके का, किसी भी मज़हब को मानने वाले का कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। क्यों? कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना ज़रूरी है हिदायत पर रहने के लिए। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक जो जो लोग अपने अपने अंबिया के की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे तो उनके लिए अजर है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरमाया, अल्लज़ीन युन्फिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह थुम्म ला युतबिउन मा अन्फकू मन्नं वला अज़ल्लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं फिर उसके बाद न तो एहसान जताते हैं और न तकलीफ़ देते हैं, अल्लाहु अकबर। बड़ी अहम बात इस आयत में बयान की गई है कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में किसी की मदद करते हैं और उस पर ना तो कोई एहसान जतलाते हैं और ना ही उसे तकलीफ़ पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास उनका अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, अल्लज़ीन युन्फिकून अम्वालहुम बिललैलि वन्नहार सिर्रन वअलानिया फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में रात और दिन खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में लोगों की मदद करते हैं, रात में भी, दिन में भी, छुपे भी और खुले भी, फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास उनका अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात व अकामुस्सलात व आतवुज़्ज़का लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद कुरान व हदीस के मुताबिक अमल किया, किताब व सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारी, वाकामुस्सला पांच वक्त की पाबंदी से नमाज़ें अदा की मसनून तरीक़े पर, वातुज़्ज़का और अपने मालों की ज़कात अदा करते रहे, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम उनका अजर उनके रब के पास है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती फमनित्तका व असलहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए औलाद आदम, ए आदम की औलाद, अगर तुम्हारे पास हमारी तरफ से रसूल आए जो तुम ही में से हो, जो हमारे अहकाम तुमसे बयान करें, जो जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, हमारे अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और अपने आप में सुधार पैदा करता है, अपनी इस्लाह करता है, सो उन लोगों पर न कुछ खौफ होगा न गमगीन होंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर फरमाया,
वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबशिरीन व मुनदिरीन फमन आमना व असलह फला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। हम रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो बशारत दें और डराएं लोगों को, फिर जो लोग ईमान ले आए और अपनी इस्लाह कर ली तो उन लोगों पर न कोई खौफ होगा न गम होगा। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह ताला के सामने झुका दे, जो इंसान इखलास के साथ अल्लाह के सामने अपनी गर्दन झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा पूरा बदला अता फरमाएगा, उस पर न कोई गम होगा न कोई खौफ होगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मुकाम पर फरमाया, अहाउला इल्लज़ीन अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला उन पर रहमत न करेगा, उनको जो हुक्म होगा उनको यूं हुक्म दिया जाएगा कि जाओ जन्नत में, तुम पर न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर फरमाया, वयुनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना अत्तक़ौ बिमफाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सू वला हुम यहज़नून। और जिन लोगों ने परहेजगारी इख्तियार की, तकवा इख्तियार किया, बुराइयों से बचे, अच्छाइयों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उन्हें अल्लाह ताला उनकी कामयाबी के साथ उनको बचा लेगा, उन्हें कोई दुख जो भी होगा नहीं होगा, कोई दुख नहीं पहुंचा सकेगा और न वो गमगीन होंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, रब्बनल्लाह हमारा रब अल्लाह है, थुम्मा इस्तक़ामू फिर उस पर जम जाते हैं, उससे नहीं हटते, कैसी ही परेशानी आ जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत उसकी तौहीद को नहीं छोड़ते। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर फरमाया, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم। लोगो आगाह हो जाओ, जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, उन पर न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के औलिया कौन होंगे? वो जो ईमान ले आए और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारी। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में बशारत है, खुशखबरी है। ला तब्दील अली कलिमात इल्ला, अल्लाह ताला के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं होती। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वलियों का ज़िक्र किया है।
और जो लोग कब्र परस्ती की बीमारी में मुब्तला हैं वो बहुत झूम झूम कर इस आयत को पढ़ते हैं और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम जिन मज़ारात पर पड़े हैं, जहां हम मुरादें मांग रहे हैं, इस आयत में उन औलिया का जिक्र है। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह ताला के वलियों को न कोई खौफ होगा न गम होगा। अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह ने बता दिया वली कौन है। वली वो है जो ईमान वाला है, वली वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार है। गंदा, नापाक, बेनमाजी वली नहीं होता। रोजे न रखने वाला वली नहीं होता। शिरकिया काम करने वाला वली नहीं होता। और आप तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आज कब्रों पर हो रही हैं कि यहूद और नसारा भी शर्मा जाए। कई सिलसिले हैं अहले तसव्वुफ़ के और इन जालिमों ने सारे सिलसिलों का ताल्लुक अमीरुल मोमिनीन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से जोड़ दिया, जबकि झूठ है ये। जितने पीरों के और फ़कीरों के सिलसिले हैं, इनका कोई ताल्लुक हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब उन्हीं के नाम पर ये हो रहा है। आपने देखा होगा एक सिलसिला है मलंगों का, मलंग सारे बदन पर घुंघरू, बड़े बड़े घुंघरू लटकाए रखते हैं, पैरों में भी घुंघरू बांधे होते हैं और कब्रों पर जाकर डांस करते हैं, नाचते हैं। ये अल्लाह का दीन है और ये वलायत है, हरगिज़ नहीं। ऐसे लोग वली नहीं, शैतान हैं ये। अवलिया अल्लाह नहीं है, अवलिया वो शैतान है। ये शैतान के वली हैं, शैतान के दोस्त हैं। एक और सिलसिला है मदार का, मदार बड़े लंबे लंबे बाल रखते हैं और उन बालों पर को लपेट कर ही पगड़ी बांधते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पगड़ी, आदमी के वजूद से भी बड़ी पगड़ी होती है। YouTube पर जाकर आप लिख दें मदार, वो सब आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इतने लंबे बाल नहीं रखे, औरतों की तरह कभी बाल नहीं रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल रखते थे कान की लौ तक, या उससे कुछ नीचे, या उससे कुछ नीचे। तीन तरह से हदीस में बाल रखने का जिक्र मिलता है, लेकिन औरतों की तरह लंबी लंबी चुटियाँ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, आपके सहाबा ने नहीं किया। ये जो सुन्नत का मुखालिफ है वो वली कैसे हो जाएगा? तो मेरे भाइयों, ये औलिया अल्लाह नहीं हैं, ये औलिया वो शैतान हैं। ये शैतान के वली हैं, उसके दोस्त हैं। तो कब्रों पर जो लोग नाच रहे हैं, एक और देखा पीरों का सिलसिला, करंट शाह वो बैठा हुआ है मुरीदों के लेकर और मुरीद जाकर उससे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद इस तरह भागते हैं जैसे करंट लग गया हाथ। आप लिख दीजिए YouTube पे करंट शाह, वो आ जाएगा सारा नज़ारा। ये तमाशे हो रहे हैं इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर और अवलिया अल्लाह के नाम पर। मेरे भाइयों, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये शैतानियत है, खुली शैतानियत है। हाथ मिलाने से आदमी में करंट लग जाए, ये कैसे मुमकिन है? वो सब सोची समझी स्कीम होती है और मक्कारियाँ हैं, जानबूझ कर वो करते हैं। फिर उसके बाद वो नाचना शुरू कर देता है, पगड़ी भी उसकी इधर जा पड़ती है, टोपी भी उधर जा पड़ती है और वो बेकाबू हो जाता है। अभी
यूट्यूब पर एक प्रोग्राम देखा, एक भजन कीर्तन हो रहा है, वहां बैठे बैठे औरतें इसी तरह करने लगी कि उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, बालों को खोलकर वो अपना खूब घूमती रही, और यही कैफियत यहां नजर आती है। तो ये दीन इस्लाम नहीं है, दीन तो बहुत पाकीज़ा दीन है, दीन में सब खुराफात नहीं है। तो अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह का वली हर वो शख्स है जो अल्लाह की तौहीद पर अकीदा रखता है, तौहीद के तकाजों को पूरा करता है, शिर्क से बचता है, बिदआत से बचता है, खुराफात से बचता है, बुराइयों से बचता है, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, फरेब नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, अपने कुरामतदारों के हुकूक अदा करता है। ये सब औलिया की सिफात हैं, हर वो शख्स वली है। तो अल्लाह ने फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाते हैं, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, कामिल ईमान होता है, व कानू यत्तकून और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारते हैं। एक प्रोग्राम देखा, उसमें एक टीवी एंकर उससे पूछ रहा है, आग जलाए बैठा है, लंबे लंबे बाल हैं, कुछ मुरीद उसके पीछे बैठे हैं। उसने पूछा तुम नमाज पढ़ते हो? कहा हम तो नमाज इश्क पढ़ते हैं। अब नमाज इश्क कौन सी नमाज है? इस्लाम में तो नहीं है। इस्लाम में तो यही नमाज है जो आप पढ़ने के लिए आए हैं और जो पांच वक्त आप अदा करते हैं। नमाज इश्क कैसी नमाज है? नमाज पढ़ता ही नहीं हो। वो कहता हम तो हर वक्त नमाज में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, जिस मर्ज में आपकी वफात हुई, आपने को मैंने सारा बयान किया था वफात का वाकया। बीमार हैं, गशी तारी होती है, होश में आते हैं तो अपने दो करामतदारों के सारे हजरत अली हजरत अब्बास के सहारे से मस्जिद में जाते हैं, पैर जमीन पर घिसट रहे हैं और नमाज बाजमात में शामिल होने के लिए आप तशरीफ ले जाते हैं। उस वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए गए और ये जालिम बोल रहा है कि हम तो नमाज इश्क पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे नमाज इश्क, सहाबा नहीं जानते थे, इमामान दीन नहीं जानते थे। तो ये खुराफात हो रही है, ये बदअकीदगी है, ऐसे लोगों को वली समझा जा रहा है। तो समझ लीजिए आप, जो बेनमाजी है, जो मुशरिक है, जो बिदाती है, जो कब्रों पर बैठा हुआ है, अच्छा और तमाशा क्या है, चरस पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगरेट नशे की सिगरेट पी रहे हैं और इसको नमाज इश्क बोल रहे हैं। तो जो लोग नशा करें वो वली कैसे हो जाएंगे? जो लोग नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, ज़कात ना दें, हज ना करें, इस्लाम की बुनियादी बातों को अमलन कबूल ना करें, तो वली कैसे हो सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, पहचानो और बचो ऐसे डाकुओं से। ये ईमान के डाकू हैं जो लोगों के ईमानों पर डाका डालते हैं, बचना चाहिए उनसे। पहचानिए सही कौन है, गलत कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका मेयार अल्लाह उसके रसूल ने बयान कर दिया। तो फरमाया अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकू लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। यही बड़ी कामयाबी है कि ईमान और तकवा, ईमान और परहेजगारी, ईमान और अमली जिंदगी, वो जिंदगी जो किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजरती है। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क व बिदआत से महफूज रखे, बदअकीदगी से महफूज रखे, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए। अकुल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूह इन्नहू काना गफ्फारा।